कांग्रेस के लोग, बीजेपी से मिले हुए लोग अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में डबल बोले। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को आगरा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। सपा नेता ने इस दौरान दोनों पार्टियों के मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही और बीजेपी को हराने का आह्वान किया। अखिलेश यादव जब राहुल गांधी के साथ मंच पर थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। कभी इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग भी देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने अजय राय को चिरकुट तक बता दिया था। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बुरी तरह भड़क गए थे। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज तक बता दिया था, जिसके बाद अजय राय ने उन्हें उत्तराखंड में हुए बागेश्वर उपचुनाव की याद दिलाते हुए आरोप लगाया था कि सपा की वजह से इस सीट पर कांग्रेस की हार हुई। अजय राय की बात पर सपा अध्यक्ष बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें गठबंधन की जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा था कि आप चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में बयान न दिलवाएं। बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। कहा कि हमने घोसी में समर्थन किया और ऐसा रहा। एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, ना वो जाकर के बम्बई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। फिलहाल सपा कांग्रेस के बीच अब परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। यूपी में दोनों दल मिलकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे। कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ कुछ और लोगों के भी जुड़ने के कयास लग रहे हैं। रविवार को सपा अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान यात्रा में भारी भीड़ दिखाई दी। सपा और कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं के समर्थन में नारे भी लगाए।